रसोई घर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण जगहों में से एक होता है। रसोई घर में ही पूरे परिवार के लिए खाना बनता है। ऐसे में रसोई घर से जुड़े वास्तु नियमों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जाने अनजाने में बहुत बार हम वास्तु के नियमों को अनदेखा कर देते हैं, जिस वजह से हमें काफी परेशानियां होती हैं। ऐसे ही कुछ नियम आटा गूंथते समय बताए गए हैं, तो आज हम आपको इन्हीं नियमों के बारे में बताने वाले हैं। आटा गूंथते समय तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी का उपयोग करें। तांबे के बर्तन में रखे हुए जल को शुद्ध व पवित्र माना जाता है, साथ ही ये सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस बात का ध्यान रखें कि जितना जरूरत हो उतना ही आटा गूंथें। बहुत लोग बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देते हैं, जो कि वास्तु नियमों के अनुसार उचित नहीं होता है। बासी आटे से बनी रोटी सेहत पर असर पड़ती है, साथ ही इससे दरिद्रता भी आती है। अब हम आपको बता दें कि आटा गूंथने के बाद उस पर उंगलियों के निशान आप जरूर बनाएं, ताकि आटे के पिन के समान ना लगे। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार ये बताया गया है कि आटे के पिंड का इस्तेमाल पितरों के लिए किया जाता है, तो आप अब जब भी आटा गूंथें तो उस पे अपने उंगलियों के निशान जरूर छोड़ें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोकावास 24। धन्यवाद।